टाटा के वर्तमान बंधन को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल से बड़ा झटका मिला है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने हाल ही में टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने को अवैध ठहरा दिया है, साथ ही उन्हें इस पद पर फिर से आने के लिए आदेश दिया गया है। दरअसल टाटा सन्स के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अच्छा मौका है। इसी के साथ NCLAT ने चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के प्रबंध के निर्णय को भी अवैध ठहराया है, साथ ही साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का एक बार फिर से चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। इस पर NCLAT ने कहा कि साइरस की नियुक्ति आदेश की तारीख से 4 हफ्ते के भीतर हो जाएगी। बता दें कि चंद्रशेखरन फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे, लेकिन हाल ही में NCLAT के फैसले के खिलाफ अपील के लिए टाटा सन्स ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा। NCLAT ने इसकी मंजूरी दे दी। साइरस मिस्त्री जो टाटा सन्स के 6ठे चेयरमैन थे, उन्हें अक्टूबर 2016 में एक नाटकीय घटनाक्रम में उनके पद से हटा दिया गया था। रतन टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद मिस्त्री ने 2012 में चेयरमैन का पद संभाला था। इसके बाद TCS के प्रबंध निदेशक और CEO N चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नया चेयरमैन बनाया गया। टाटा ग्रुप ने कहा कि साइरस मिस्त्री को इसलिए निकाला गया क्योंकि बोर्ड उनके प्रति विश्वास खो चुका था। ग्रुप ने आरोप लगाया था कि मिस्त्री ने जानबूझकर और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से संवेदनशील जानकारी लीक की, इसकी वजह से ग्रुप की मार्केट वैल्यू में बड़ा नुकसान हुआ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।